Receive their salaries on Tuesday, April the 23rd. Officials say the move is designed to support employees and their families. तो गाइज यूएई से रिलेटेड चार बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। जिस देश में रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, वहां का रूल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करता हूं, जो 1-2-3 दिन से एक्चुअली ये न्यूज़ आप लोग भी देखा होगा, जबकि जो बांग्लादेश में प्रॉब्लम चल रहा था, यूएई के अंदर बहुत सारे बांग्लादेश के लोग जो वर्कर हैं या फिर कामगार लोग हैं, उन लोग बहुत सारे जगह पर जुलूस निकाला, वहाँ पे बहुत सारे सामान का तोड़फोड़ किया, जबकि गवर्नमेंट ने 57 लोगों को अरेस्ट भी किया था और जिसमें 54 को 10-10 साल का जेल का सज़ा भी सुनाया था यूएई कोर्ट, और 3 लोगों को तो पूरी ज़िंदगी जेल का सज़ा सुनाई गई है। तो सारे एम्बेसी, जितने भी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी हो या बांग्लादेश के एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी, क्योंकि 200 कंट्री के लोग वहाँ पे रहते हैं, तो सारे अपने नागरिकों को बताया है कि अगर आपके कंट्री में कोई वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना करें, क्योंकि लोकल कानून यानी जिस देश में रह रहे हो वहाँ का कानून के बारे में आपको फॉलो करना ज़रूरी है। और थोड़ा दिन पहले जो यूएई के प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो शांति से रहें, क्योंकि 200 कंट्री के लोग रहते हैं। दुबई ऐसा कंट्री जहाँ पे 200 यानी 200 कंट्री के लोग, नेशनलिटी के लोग रहते हैं, इसलिए आपस में मिलजुल का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने वहाँ अपने देश का प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आवाज़ इतना उठा सकते हैं या किसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, और ये वर्करों के लिए एक बैड अपडेट है, क्योंकि ये जो कानून है थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में मैंने बताया था, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट पर पहले लगा कर दिखा रहा हूँ। इस न्यूज़ और खलीज टाइम्स में आया है और इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको 1 साल के गवर्नमेंट बताती है, सारे कंपनी का ये रूल है, गवर्नमेंट का रूल है कि आपको 1 साल में 1 महीने का छुट्टी मिलनी चाहिए। तो पहला अपडेट में आप लोग भी सुना होगा और ये नियम भी है कि अगर आप कंपनी में छुट्टी मांगते हो तो 1-2 महीने आपको इधर उधर कर सकता है, वो अपने काम के हिसाब से, वो काम के हिसाब से आपको शिफ्ट कर सकता है, यानी 1 महीना बाद भी दे सकता है या 1 महीना पहले भी दे सकता है। लेकिन इसमें यह भी बताया गया कि आप 1 महीने के छुट्टी के लिए चले गए और फिर आप 2 महीने वहाँ पर रह लिए, 3 महीना रह लिए, और विदाउट किसी परमिशन के, यानी कंपनी को आप इन्फॉर्म भी नहीं किए कि हाँ मैं इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा दिन रह लिया, या फिर यूएई में ही हैं आप और कहीं दूसरी जगह चले गए अपने दोस्त के पास या अपने जानने वाले के पास, पहचानने वाले के पास, और 7 दिन तक आप कंपनी में नहीं आए, 7 दिन तक आप वहाँ पे जॉब में ज्वाइंट नहीं हैं, तो रूल में बताया गया है कि 7 से अगर 20 दिन तक, यानी 7 दिन से लेकर 20 दिन तक अगर आप कंपनी में विदाउट इन्फॉर्म के अगर कहीं रह लेते हो तो कंपनी का ये राइट बनता है, कंपनी का ये फ़र्ज़ भी है और गवर्नमेंट का रूल भी है कि वो चाहे तो वर्कर को अपने मर्ज़ी से कैंसिल कर सकती है विदाउट नोटिस पीरियड दिए हुए, यानी आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं दी है, नोटिस पीरियड भी नहीं देगी, आपको सीधा वो टर्मिनेट कर देगी। तो अगर आप किसी भी कंपनी में काम करो तो ये रूल को लाजिम फॉलो करें, और छुट्टी कहीं पर चले गए, 1 महीने के छुट्टी पे गए हैं तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ज़्यादा रह लिए तो कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था। तीसरा जो अपडेट है आपने शॉर्ट वीडियो में बताया, ये गवर्नमेंट के तरफ से एक अपडेट आया और बताया है कि यूएई में जितने भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं उनको अगर मान लिए बीच में किसी महीने में कुछ त्यौहार आ जाता है तो त्यौहार से पहले अब सैलरी उनको मिलेगी। मान लिए अगर महीना होता है 30 का और कुछ 28 को कोई भी सेलिब्रेशन करने का त्यौहार आ गया या ईद आ गया या ऐसा कोई भी फंक्शन आ गया तो उससे पहले आपको सैलरी मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट वर्करों के लिए, गवर्नमेंट जो काम करते हैं यूएई के अंदर, किसी भी नेशनलिटी का, बहुत सारे जो इंडियन भी है जो गवर्नमेंट जॉब वहाँ पे करते हैं यूएई के अंदर, तो सारे लोगों के लिए ये कानून है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है उसमें बताया गया है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जो कंपनी है, कंपनी का नाम पहले आप देख लो, क्योंकि इसका ब्रांड हर जगह पे आपको यूएई, यानी अब दुबई में भी आप देखते होगे मेट्रो पे या फिर बुर्ज खलीफा के बगल में भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पर भी इसका एडवर्टाइज चलते रहता है। और इसमें बताया जा रहा है कंपनी का नाम है शोभा, ठीक है, शोभा कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी का ख़ास बात है क्योंकि इसमें अगर आप कंटिन्यू 10 साल काम कर लेते हो तो आपको ये नहीं, जो पैसे हैं वो फ्री में 5 लाख रुपए आपको इस कंपनी के तरफ से फ्री में 5 लाख रुपए आपको घर बनाने के लिए दिया जाता है। ये फैक्ट है और गवर्नमेंट भी इसको टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी में लिस्ट में रखी है। गवर्नमेंट के तरफ से भी इस कंपनी को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप शोभा कंपनी में हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाँ, स्टार्टिंग में सैलरी इसमें कम होती है, लेकिन कंटिन्यू अगर आप 10 साल इस कंपनी में अच्छे से काम कर लिए तो 5 लाख रुपये इनाम के तौर पे आपको यानी वर्कर को कंपनी के तरफ से मिलता है घर बनाने के लिए या कुछ सपोर्ट के तौर पे। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आपको साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।